सोमवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे युवासेना जिल्हा प्रमुख शरद भाऊ सरोदे यांच्या नेतृत्वाखाली रविभवन सिव्हिल लाईन येथे दुपारी वाजता अनेक कार्यकर्त्यांनी शिवसेना उद्धव ठाकरे या पक्षात प्रवेश केला मनसेच्या शंभर पदाधिकाऱ्यांचा युवासेनेत प्रवेश झाला यात नागपूरच्या मनसेला ना मोठा झटका बसलाय जय महाराष्ट्र माननीय उद्धवजी ठाकरे युवासेना प्रमुख मान्य आदित्यजी ठाकरे आज रविभवन मे जाहिर प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया था युवा सेना की ओर से नागपुर शहर के मनसे के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मनसे के राज ठाकरे के मनसे के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में माननीय आदित्य जी ठाकरे इनके नेतृत्व पे चलने वाली युवा सेना में प्रवेश किया जब उनसे पूछा गया जब युवा सेना कार्यालय में वो आए तो सबसे पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों आना चाहते हो मन से छोड़ के क्यों आना चाहते हो तो उनका जवाब सुन के हमारे युवा सेना के लिए बड़े गौरव की बात है उन्होंने जवाब दिया कि माननीय आदित्य जी ठाकरे युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्य जी ठाकरे ये रास्ते पे उतर के युवाओं की समस्या हल करने के लिए रास्ते पे उतर रहे जनता के बीच जाके जनता का काम करते हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर कोई हल्ला होता है या कार्यकर्ता के साथ कुछ अवैध तरीके से कुछ कहीं पुलिस स्टेशन हो या फिर कोई भी तरीके कोई भी तरीके से अगर सरकार उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करती हो तो हमारे आदित्य जी ठाकरे तुरंत ही वहाँ पहुँचते हैं या फिर परी व्यवस्था करवाते हैं या फिर कोई अधिक अधिकारियों को वहां भेजते हैं तो इसलिए हमारे आदित्य जी ठाकरे का नेतृत्व युवाओं को आज पूरे महाराष्ट्र में पसंद आ रहा है उसी कारण से वो लोग जो देख रहे हैं कि नागपुर शहर में माननीय आदित्य जी ठाकरे के नेतृत्व में युवा सेना जो काम कर रही है नागपुर शहर में वो काम की सराहना करते हुए जो जनता के बीच उतर के हम काम कर रहे हैं तो उसकी सराहना करते हुए कुछ उनके घर के आजू बाजू या फिर उनके प्रभागों के काम हुए उन्होंने देखे कि युवा सेना जब वो काम हाथ में लेती है तो किस तरीके से पूरा करती है यह सब देखकर वो आज युवा सेना में हम प्रवेश कर रहे हैं ऐसा उन...